सिवनी जिले गंसोर जनपद सभा कक्ष में सिवनी विधायक दिनेश राय सहित लखना दोन विधायक योगेंद्र सिंह ने समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। वहीं विधायक दिनेश राय ने बैठक में पानी की समस्या और किल कोरोना अभियान सहित कोविड संक्रमण के बारे में जानकारी ली और साथ ही कर्फ्यू के दौरान नियम विरोध तरीके से व्यापार करने वालों की तत्काल दुकानें सील करने के निर्देश दिए। साथ ही अस्पताल पहुंचकर पीपी किट पहनकर कोरोना वार्ड में निरीक्षण भी किया और मरीजों का हालचाल भी जाना और अस्पताल प्रबंधन को आवश्यक निर्देश दिए। सरकार की गाइडलाइन और हमारी केंद्र सरकार की गाइडलाइन के आधार पर पेशेंटों को कैसा ट्रीटमेंट इलाज होना चाहिए उसको लेकर चर्चा हुई और कंटेनमेंट जोन जहाँ जहाँ हमारे मरीज हैं ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे घनसोर में इनको लेकर समस्याओं को लेकर इनको कैसे मेडिसिन हमारे ग्राम ग्राम में पहुँचे पेशेंटों को पहुँचे और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से लेकर कोटवार हो चाहे सचिव हो ग्राम सहायक हो चाहे हमारा सरपंच हो इनका क्या दायित्व इनको क्या काम करना चाहिए उन सब बातों को लेकर बैठक हुई थी और जिन जिन ग्रामों में ज़्यादा पेशेंट हैं उन पर किसी भी हालत से उनका सबका सर्वे भी हो जाए उनका सबका जांच हो जाए उनको समय पर दवाई मिल जाए जो सुरक्षित करने का हमारा उद्देश्य है। दूसरा मध्य प्रदेश सरकार शिवराज जी ने 3 महीने का अनाज फ्री किया है और माननीय मोदी जी ने केंद्र सरकार ने 2 माह का इन अनाजों का वितरण भी समय सीमा पर और गरीब व्यक्ति को जरूर मिले। जो भरी पात्र पर्ची नहीं रखा है लेकिन वो गरीब है उसको कैसे उपलब्ध कराना है इसको लेकर भी चर्चा हुई है। छोटी मोटी और समस्या है पानी को लेकर बिजली को लेकर थी उस संबंधित भी दिशा निर्देश दिए हैं। आज की जो बैठक थी आज मैंने लखना दोन ब्लॉक भी और हमारा घनसोर ब्लॉक दोनों बैठक मैंने यहाँ पर ली है।